नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉच के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से, जहां पर दोस्तों पहली बार हमारी इंडियन रेलवे की पैसेंजर ट्रेन को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ऑपरेशनलाइज किया गया है। और क्योंकि अब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काफी इजीली ऑपरेट हो पाई हैं, तो एस्टिमेशन ये लगाया जा रहा है कि फ्यूचर में अगर कोई इमरजेंसी होती है, फिर कोई एक्सीडेंट होता है, तो इन ट्रेन को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर भी ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट के कारण हमारी रेलवे को मिर्जापुर से झिंगुरा के बीच में जो रेल लाइन सेक्शन है उसको बंद करना पड़ा। लेकिन हमारी रेलवे ये नहीं चाहती थी कि यहाँ पर जो दूसरे ट्रेन को ऑपरेट किया जाना है, जो यहाँ से पास होंगी, उनको कैंसिल किया जाए। इसी के चलते राजधानी, पटना जनता, सीमांचल, इस तरह की ओवरऑल 6 ट्रेन को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया था। न्यू करचना से न्यू डगमगपुर के बीच में जो 110 किलोमीटर का सेक्शन है, वहां पर पैसेंजर ट्रेन को शिफ्ट किया गया था। और क्योंकि काफी सक्सेसफुली ऑपरेट हो पाई हैं, तो इसी के चलते आप समझ सकते हैं कि इमरजेंसी में आने वाले समय में पैसेंजर ट्रेन काफी इजिली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का इस्तेमाल कर पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है एक और रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हरियाणा का गुड़गांव रेलवे स्टेशन इस बार रीडेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। और हमारी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसके रीडेवलपमेंट को लेकर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इन्वाइट कर दिए गए हैं। तो इस स्टेशन का रीडेवलपमेंट एक तरह का अलग रीडेवलपमेंट होगा, क्योंकि इसको एक लाइट हाउस प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्री इंजीनियर्ड एंड प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स को यहां पर ला के रीडेवलपमेंट में यूज किया जाएगा। अल्टीमेटली जिसके चलते होगा ये कि रीडेवलपमेंट का जो काम है वो और भी जल्दी कंप्लीट हो पाएगा। इससे भी कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का जो टेंडर दिया गया है उसको भी सिमिलरली इसी कंसेप्ट के ऊपर डेवलप किया जाना है। और अब गुड़गांव को भी इसके लिए ही सिलेक्ट किया गया है। कहा ऐसा जा रहा है कि रीडेवलपमेंट के अंतर्गत यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट लॉबीज, फूड कोर्ट, पेड लॉन्च, रिटेल स्पेसेस, ऐसी सभी चीजें जो दूसरे स्टेशन पर बनकर तैयार होती है वो यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। एक बार जब काम स्टार्ट हो जाता है तो 215 करोड़ रुपीस स्पेंड करके 15 मंथ्स के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अगर उसे कंसेप्ट सक्सेसफुल जाता है तो हमारे देश के और भी बहुत सारे रेलवे स्टेशन जिनको अभी रीडेवलप किया जाना है वहां पर ये कंसेप्ट लॉन्च किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी रेलवे को लेकर, जहां पर दोस्तों देश में फ्रेट शेयर को इंक्रीज करने के लिए हमारी रेलवे के द्वारा डिसाइड कर लिया गया है कि वो उनकी लोकोमोटिव की प्रोडक्शन को रैप अप करेंगे। 9000 हॉर्स पावर और 12000 हॉर्स पावर के जो लोकोमोटिव हैं उनको स्पेसिफिकली फ्रेट ऑपरेशंस के लिए सिलेक्ट किया गया है। दोस्तों हमारे नेशनल रेल प्लान के अकॉर्डिंग 2030 तक हमारी रेलवे का टारगेट है कि उनके फ्रेट शेयर को करंट 30% से इंक्रीज करके 40-50% तक कर दिया जाए। और इसके लिए हमारी रेलवे को हैवी हॉल लोकोमोटिव्स की जरूरत है, 9000 हॉर्स पावर और 12000 हॉर्स पावर। ये हमारी रेलवे के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव्स माने जाते हैं। इनकी अब जो प्रोडक्शन है उसको पर ईयर और ज़्यादा एक्सपांड किया जाएगा। करंटली हमारी रेलवे के पास डीजल लोकोमोटिव्स को मिलाकर ओवरऑल 11000 के आसपास लोकोमोटिव्स है, लेकिन 2030 तक इस फ्लीट को 20,000 से ऊपर लेकर जाया जाएगा। दाहोद वर्कशॉप्स, चित्रंजन लोकोमोटिव्स, साइमंस, ऑलस्ट्रोम, इनको ऑलरेडी लोकोमोटिव्स के प्रोडक्शन के टेंडर दिए जा चुके हैं। अगले एक महीने के अंदर अंदर 12,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव को लेकर एक और टेंडर इशू किया जाना है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है एक मल्टी लेवल पार्किंग फैसिलिटी से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों कोलकाता के साउथ वेस्ट में एक मेगा मल्टी लेवल पार्किंग फैसिलिटी ओपन कर दी गई है। और 400 व्हीकल्स की कैपेसिटी वाली इस मल्टी लेवल पार्किंग में कार्स, टू व्हीलर्स दोनों को ही पार्क किया जा सकता है। दोस्तों स्पेसिफिकली ये मल्टी लेवल पार्किंग कोलकाता के अलीपुर लोकेलिटी में बनकर तैयार हुई है। सोम पोनेस फैसिलिटी का नाम रखा गया है, जो कि एक बंगाली नाम ही है। कहा ऐसा जा रहा है कि ये कोलकाता में आज तक का सबसे बड़ा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला पार्किंग लॉट है, जिसके डेवलपमेंट के ऊपर 50 करोड़ रुपये स्पेंड किए गए हैं। इजी एक्सेस के लिए, फिर इजी पार्किंग के लिए यहाँ पर एस्केलेटर्स का भी डेवलपमेंट किया गया है। 5,500 स्क्वायर फीट के एरिया में एक ओपन फूड कोर्ट भी बनाया गया है। वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसको मेंटेन एंड ऑपरेट करेगी। फ्यूचर में अभी इसको 4 मंजिल तक और एक्सपांड किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की सिल्क इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा एक 91 करोड़ रुपीस का प्लान अप्रूव कर दिया गया है। और इसके थ्रू इस इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के ऊपर काम किया जाएगा। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की सिल्क इंडस्ट्री पिछले समय में एक स्पेसिफिक टाइप के सिल्क प्रोडक्शन के लिए जानी जाती थी, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना होने के चलते आज के समय आप ये समझिए कि इंडस्ट्री की तरफ से डेड हो चुकी है। अब इसी के रिवाइवल को लेकर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने पहल की है। कहा ऐसा जा रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के थ्रू यहाँ पर बैटर सीड्स एंड लीव्स, वॉर्म प्रोडक्शन, ऑटोमेटिक रीलिंग फैसिलिटी, ये सभी चीज़ें बनकर तैयार होनी है। और जो 91 करोड़ रुपये का प्लान इसके लिए अप्रूव किया गया है वो अभी एक इनिशियल प्लान ही है। हो सकता है कि इसके आने वाले समय में और भी बड़े स्केल पर फंड्स अप्रूव किए जाएं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों देश में कोऑपरेटिव एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के द्वारा एक मेगा यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाना है और कहा ऐसा जा रहा है कि ये कोऑपरेटिव सेक्टर में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी होगी जो बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों पिछले कुछ महीने से हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा प्लानिंग की जा रही थी कि हमारे देश में इस तरह की यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाए और अब हमारी जो सभी मिनिस्ट्रीज हैं उनके द्वारा प्लान अप्रूव कर दिया गया है, जिसके लिए आपको ये प्लान ग्राउंड पर आता हुआ देखने को मिलेगा। एक बार जब इस यूनिवर्सिटी को सेटअप कर दिया जाता है तो 2026-27 तक एनुअली 9600 डिग्रीज, 16,000 डिप्लोमास एंड 8,00,000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स यूनिवर्सिटी इशू करेगी। इसके अलावा कहा ऐसा जा रहा है कि डेयरी, फिशरी, रूरल क्रेडिट, कोऑपरेटिव क्रेडिट, इन सब एरियाज में भी इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाएंगे। इनिशियली 750 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट का प्लान इसके ऊपर बनाया गया है और कहा ऐसा जा रहा है कि इसकी फंक्शनिंग तो 2023-24 से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो स्मॉल स्केल की होगी। फुल स्केल में इसके ऑपरेशन 2026-27 से स्टार्ट हो पाएंगे। बढ़ेंगे दोस्तों के लिए अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है देश के एविएशन मार्केट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एयरबस, बोइंग इस तरह के एविएशन जायंट्स के साथ एयरक्राफ्ट के असेंबली लाइंस को हमारे देश में सेटअप करने को लेकर डिस्कशन स्टार्ट कर दी हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर इसको लेकर आपको बड़ी अनाउंसमेंट होती हुई देखने को मिलेगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश का एविएशन सेक्टर वर्ल्ड में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग है और कहा जा रहा है कि अगले 8-10 सालों के अंदर अंदर ये वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट एविएशन मार्केट बन जाएगा, जहां पर हमारी डोमेस्टिक कंपनीज काफ़ी बड़ा शेयर रखेंगी। और क्योंकि आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर हमारी डोमेस्टिक कंपनीज के द्वारा 2000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट इन कंपनी से ऑर्डर किए जाने हैं, तो इसी जल्दी हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो एयरक्राफ्ट इन कंपनी से ऑर्डर किए जाएंगे इनको हमारे देश में ही प्रोड्यूस किया जाए। और देखिए दोस्तों ये मैंडेटरी भी है, क्योंकि अगर इनको हमारे देश में प्रोड्यूस किया जाता है तो एक तो हमारे देश में एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी तरह के कंपोनेंट्स हैं उनकी लेंस भी हमारे देश में सेटअप होंगी, साथ साथ इनको प्रोक्योर करने की कॉस्ट भी कम होगी अगर हम इसे इंपोर्ट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो देखते हैं कि इसको लेकर क्या अनाउंसमेंट सामने आती है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है एक और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को लेकर, जहां पर दोस्तों बिहार स्टेट का पहला लॉजिस्टिक पार्क अप्रूव कर दिया गया है और ये पटना के पास फतुहा में बनकर तैयार होगा। तो उसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में ये तो नहीं कहा गया है कि कितने बड़े एरिया में बनकर तैयार होगा, लेकिन इनिशियली इसके डेवलपमेंट को लेकर 100 acres ऑफ लैंड एक्विजिशन अप्रूव कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन ये हमारे देश का वन ऑफ द एडवांस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा, जहां पर हर तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रेल रोड से रिलेटेड हर तरह की कनेक्टिविटी अवेलेबल होगी। लैंड एक्विजिशन का काम बिहार गवर्नमेंट का है, जो 168.93 करोड़ स्पेंड करके लैंड एक्विजिशन कंप्लीट करके हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज को सौंपेगी। वहीं डेवलपमेंट का काम द नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा ही किया जाना है। तो देखते हैं कि कब तक इसका लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में अगर कोई प्रोजेक्ट चलता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए काफी समय लग जाता है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है आईफोन मेकर एप्पल को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में उनके बिजनेस ग्रोथ को देखते हुए एप्पल के द्वारा डिसाइड कर लिया गया है कि वो हमारे देश के रिटेल मार्केट में भी एंट्री मारेंगे और इसके चलते वो हमारे देश में उनका पहला रिटेल स्टोर ओपन करने जा रहे हैं। दोस्तों पिछले 2 सालों के अंदर अंदर एप्पल का मार्केट शेयर हमारे देश के स्मार्टफोन मार्केट में काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। लास्ट क्वार्टर तो इनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और यही मेन रीज़न बताया जा रहा है कि एप्पल अब मुंबई और न्यू दिल्ली यहाँ पर सबसे पहले एक एक उनका खुद का एक स्टोर लॉन्च करेगा। कहा ऐसा जा रहा है कि ये स्टोर्स अराउंड 25,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैले होंगे, मुंबई के BKC जबकि दिल्ली के साकेत यहाँ पर ये स्टोर बनकर तैयार होंगे। और वैसे आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि एप्पल के पास अभी हमारे देश में उनका खुद का कम्प्लीटली ओन्ड एक भी रिटेल स्टोर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि एप्पल हमारे देश में सेटअप नहीं करना चाहता था, बेसिकली हमारे देश के कुछ लॉस के चलते एप्पल सेटअप नहीं कर पा रहा था, पर क्योंकि एप्पल के द्वारा उनके आईफोन्स की प्रोडक्शन हमारे देश में स्टार्ट कर दी गई है तो काफ़ी ईजिली वो उन लॉस को बाईपास कर पाएंगे और अब हमारे देश में उनके रिटेल स्टोर्स को ओपन कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरह से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।